अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम व्हाट्सएप के उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप ने एक एग्रीमेंट साइन किया हम सबको, और हम सब ने उसको मतलब काफ़ी लोगों ने उसको देखे बगैर अग्री कर दिया। बल्कि अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने कहा कि हमने अग्री उस अग्रीमेंट को नहीं किया, तो वो अपने आप को शायद बहुत होशियार समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन वो ये शायद नहीं जानते या शायद जानते भी हैं कि व्हाट्सएप ने हम सबको जो एक डेट दी हुई है वो 7 फेब की है। 7 फेब तक जो जो भी यूज़र्स उसको उस अग्रीमेंट को अग्री कर देंगे तो वो तो आगे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जो भी आपको पता है अग्रीमेंट में, जो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी थी कि उस अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या जो है बेनिफिट्स, तो खैर हमें तो कोई भी नहीं है, व्हाट्सएप को ही है। तो उस अग्रीमेंट को जिन जिन लोगों ने अग्री कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है उनको 7 फेब तक करना है। लेकिन उसके अल्टरनेटिव जाहिर है लोग ढूंढ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। इसके अल्टरनेटिव मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी बिल्कुल इस जैसे ही हैं और वही फैसिलिटीज़ जो कि हमें वीडियो कॉलिंग हो गई, चैट हो गई, वॉइस की जो है हमारी चैट हो गई, वॉइस चैट हो गई, इस किस्म की हम सारी जो मीडिया को जो हम लोग जो मीडिया पिक्चर्स या वीडियोज जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरीके की जो दूसरी ऐप्स हैं जो कि व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है, आगे जाके ये क्या करेंगे, इस तरीके का कोई अग्रीमेंट लेके आती हैं या कोई सरप्राइज लेके आ जाती है अपने यूजर्स के लिए, तो वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन इनिशियली लोग जो है इसको इन दो ऐप्स हैं जिनको मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, और मतलब यही इसका फिलहाल तो अल्टरनेटिव है। इनमें से जो मेरी रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। दो अल्टरनेटिव्स हैं व्हाट्सएप के नेमुल बदल हमारे पास, वो है एक है टेलीग्राम और दूसरा है सिग्नल्स। टेलीग्राम लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम काफ़ी पुरानी ऑलरेडी जो ना एक ऐप है और लोग ज़्यादातर उसको पायरेटेड मूवीज़ और क्लिप्स शेयर करने के लिए यूज़ करते थे। प्राइवेसी के लिहाज से ये भी बेहतरीन है, ग्रेट है, लेकिन कई ममालिक में अभी भी टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन और टेलीग्राम खुद भी बैन है। जैसे हम लोग हमारे बाहर के ममालिक में जो हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त यार हैं, हम लोग उन लोगों से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग या दूसरी इस तरीके से हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट में रहते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है कि वो अगर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे टेलीग्राम बैन है और हमारे पास तो है और वो जाहिर है उसको वो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें उनके साथ कांटेक्ट में रहना डिफ़िकल्ट होगा। तो एक तो हो गई टेलीग्राम, और दूसरी जो हमारे पास है वो है सिग्नल। सिग्नल प्राइवेसी के लिहाज से बहुत अच्छी है, मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा। मेरे हिसाब से मेरे खुद भी मैंने जो है ना सिग्नल ही डाउनलोड की हुई है, अपने फ़ोन में भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी उसी पर हैं। एक्चुअली इस चीज़ का लॉस मुझे पर्सनली भी बहुत है और आप लोगों को भी डेफिनेटली होगा। काफ़ी लोगों के बिजनेसेस जो है ना पूरे व्हाट्सएप के ऊपर चल रहे हैं, उनका सारा डाटा, उनकी सारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके बिजनेस के, वो सारे व्हाट्सएप पे पड़े हैं। अभी भी आप लोगों के पास जो लोग उसको स्विच करना चाहते हैं, सिग्नल्स पे आना चाहते हैं आया या टेलीग्राम पे आना चाहते हैं, जिस पे भी आप लोग आना चाहते हैं वो चॉइस आपकी है। लेकिन मेरा ये कहने की मुराद है कि इससे पहले कि व्हाट्सएप आपका ब्लॉक कर दे नंबर और आपको सर्विसेज देना ब्लॉक कर दे, आप लोगों के पास जो 7 फेब तक का टाइम है इन बिटवीन, आप लोग अपना डाटा उससे रिकवर कर लें और अपने जो भी बिजनेस है, अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आप व्हाट्सएप को जिस तरीके से भी यूज़ करते हैं उसको आप लोग अपने उस ऐप पे ले आए जो कि आप लोग यूज़ करें, जो कि सिग्नल भी हो सकती है, टेलीग्राम भी हो सकती है। अच्छा, जो सिग्नल्स ऐप है उनकी भी कुछ कंडीशंस तो हैं, उनके भी टर्म्स हैं, वो भी अग्रीमेंट आपसे साइन करते हैं, पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं अपने यूज़र को कि हम आपकी इंफॉर्मेशन अगर कभी भी कहीं यूज़ करेंगे तो वो आपसे परमिशन लेते हैं। आपकी परमिशन के बगैर वो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक या किसी के साथ ट्रांसफ़र या किसी के साथ शेयर नहीं करते। प्लस ये हाईली रेटेड है मेरे हिसाब में, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इसी पे जो है मूव करें। मैं चूँकि खुद भी इसी पे आ रहा हूँ तो मैं अपने देखने वालों को भी यही कहूँगा कि हमारे पास जो दूसरा इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सिग्नल्स है, और ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है। दूसरी बात जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बताना मतलब शायद वो थोड़ी मिस हो गई थी, कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों की जो लोकेशंस हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो व्हाट्सएप प्राइवेसी में रखती है, अदरवाइज़ व्हाट्सएप के पास हमारी करंट लोकेशन होती है, जबकि ऐसा भी नहीं है। व्हाट्सएप के पास उसका भी डाटा होता है और अग्रीमेंट में वो उस लोकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं उनके अग्रीमेंट के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ कि
जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे सकता था मैंने दी, और मज़ीद भी अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करके, अगर आप लोगों को किसी चीज़ कोई पॉइंट हो आपके माइंड में रेज हो, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर आप लोगों को मेरा से इख्तलाफ है, आप लोग समझते हैं सिग्नल्स भी बेहतर नहीं है कुछ, और जो कुछ भी आप लोगों की राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।